फतेहाबाद जिला प्रदेश का पहला ऐसा जिला बन गया है जिसमें प्राइवेट स्कूलों का निर्धारित सरकारी गाइडलाइन के अनुसार डाटाबेस अब एक क्लिक पर प्रशासन व अभिभावकों के पास उपलब्ध होगा। इसके लिए जिला प्रशासन ने विद्यालय दर्पण वेब पोर्टल लॉन्च किया है। डीसी डॉक्टर हरदीप सिंह ने प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन और जिला अधिकारियों की बैठक में इस विद्यालय दर्पण वेब पोर्टल का उद्घाटन किया। डीसी ने बताया कि ये वेब पोर्टल प्राइवेट विद्यालयों के सभी पैरामीटर का रिकॉर्ड पब्लिक डोमेन में उपलब्ध करवाएगा। उन्होंने बताया कि जिला प्रशासन ने अभिभावकों, स्कूलों और प्रशासन के काम में सरलीकरण और एक मजबूत डाटाबेस तैयार करने की दिशा में इस वेब पोर्टल को बनाया है। ये वेब पोर्टल जिला स्तर पर पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किया जा रहा है जो कि फतेहाबाद जिला प्रदेश का पहला है। उन्होंने सभी प्राइवेट स्कूलों से कहा कि वे इस वेब पोर्टल पर प्रत्येक 3 माह बाद डाटाबेस अपडेट करें। डाटाबेस अपडेट करने के बाद अपना फीडबैक भी जरूर दें। विद्यालय दर्पण करके एक हमने साइट लॉन्च की है आज, जिसके ऊपर ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर हमारे सभी स्कूल जो कि करीब 200 के आसपास प्राइवेट स्कूल्स हैं इस जिले के, वो सर्टन डेटाज अलग अलग फील्ड का डालेंगे और उस डेटा का पूरा होने के बाद हम कंसर्न डिपार्टमेंट जैसे हेल्थ है, सिक्योरिटी, पुलिस डिपार्टमेंट है, एडमिनिस्ट्रेशन है, एजुकेशन डिपार्टमेंट है, वो जो कुछ उन्होंने कार्रवाई करनी है वो स्कूल के अंदर क्या फैसिलिटी है, स्कूल में कितने बच्चे हैं, स्कूल का बिल्डिंग कैसा है, टॉयलेट्स की पोजीशन क्या है, इस तरह से वो सब डाटा जो एक बच्चे से कंसर्न है, एजुकेशन से कंसर्न है, उसकी हेल्थ से कंसर्न है, उसकी सिक्योरिटी से कंसर्न है, उसके ट्रांसपोर्ट से कंसर्न। जो प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन आई हुई है उन्होंने कहा कि इसको बहुत जल्दी, क्योंकि ये एक परमानेंट डाटा है, बहुत जल्दी इसको अपडेशन के लिए बाइंड ना करें बल्कि इसको 6 महीने या साल में अपडेट करें। दूसरा उन्होंने ये कहा है कि इसमें कुछ फील्ड ज़्यादा हैं, इस फील्ड्स को भी आप छोटा कर लें, थोड़ा कर लें। इससे बाहर कुछ ऐसे भी स्कूल्स हैं जो कि अनरिकॉग्नाइज्ड हैं, उनका सुझाव ये है उन अनरिकॉग्नाइज्ड स्कूल्स से भी इस तरह का डाटा जो है वो लिया जाए, क्योंकि बच्चे तो वहाँ भी हैं। जो महकमा जो उससे कंसर्न होगा, मैंने बताया कि हेल्थ महकमा, एजुकेशन का, सिक्योरिटी का, पुलिस महकमा और ट्रांसपोर्ट का, ये अपने से संबंधित डेटा को डाउनलोड करके उसको वेरीफाई करेंगे। यदि वो गलत निकलता है तो स्कूल से कांटेक्ट करके उसको ठीक करवाएंगे, या उसमें कोई और लीगल एक्शन रिक्वायर्ड है तो वो से ही। ये विद्यालय दर्पण ये साइट लॉन्च कर रहे हैं, पहली बार कर रहे हैं। यदि इसका अच्छा रिस्पांस हुआ, यूटिलिटी अच्छी हुई, तो हम सरकार को प्रार्थना करेंगे का इसको स्केल अप करें पूरे हरियाणा।